Good afternoon, children. In our last class, we learned about a bird, how to draw and how to give texture with pen in a realistic form. कि कैसा होता है उसका feather and all. ये simply हमने black pen से यहाँ पे shade करके and texture डाल के different way में उसको use किया और उसको पूरा हमने ऐसे texture दिया था. So ये देखो different type of birds इधर हैं and ये हमने फिनिश किया था. नाउ आज हमारा क्या आया है, इधर एनिमल्स आए हैं. देखिए आप, इन्होंने यहाँ पे सिंप्लीफाई वे में, जैसे ही हमने ड्राइंग करना हम सीख ही रहे हैं ब्लॉक्स के थ्रू, कैसे हम ड्रॉ करेंगे, सिंपल लाइन हमें दी हुई है हाउ टू ड्रॉ इट एंड कैसे हमने इसको टेक्सचर डाल के उसको रियलिस्टिक फॉर्म में लेकर आना है. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू इट. सो आज मैं आपको ये एनिमल में ये बताऊँगी आपको. इट्स अ एलिफेंट. आप सबने एलिफेंट देखा होगा ऑलमोस्ट. अभी आप सिक्स क्लास में हो तो आई थिंक एक बार तो जू आप सब घूम कर आए होंगे. सो जू में आप सारे एनिमल्स हमें दिखते हैं. सो अभी तो हमारा लॉकडाउन चल रहा है एंड अभी हम नहीं कहीं जा सकते हैं, बट जब हमें कभी मौका मिलेगा तो हम एक बार जू घूम कर आएंगे और वहाँ पे हम सारे एनिमल्स को देखेंगे, उनका कलर क्या होता है, उनका टेक्सचर क्या होता है, बॉडी पे किस टाइप से उनके बॉडी पे, सारे एनिमल्स की बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर्स होती है, डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर. टेक्सचर मतलब जो ऊपर का सरफेस पे जो भी डिज़ाइन कह लो आप.